नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप सब देख रहे हैं आरके 24 न्यूज बिहार। वीडियो में भी देख सकते हैं, दो शख्स खड़े हैं, एक महिला है एक जेंट्स है और दोनों पति पत्नी है। सुनने में आया है कि महिला जो है रील्स बनाती है, इनका वीडियो रातों रात वायरल होता है, पूरे यूपी बिहार झारखंड में रातों रात जो है ये तहलका मचाती है रील्स बनाकर डांस करके। तो इसी पे इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज के दौर में जो है पति पत्नी दोनों साथ में हैं तो क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि ये रील्स बनाना चालू की और पति इनका साथ दे रहा है, तो यही बात जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल। जी, अपने चैनल से जो भी हमें देख रहे हैं उनको प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम चंदा देवी हुआ और मेरा यूट्यूब चैनल पर है चंदा। अच्छा, आपका भी स्वागत है चैनल। जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं देख रहे हैं उनको हमारे दिल से नमस्कार और प्रणाम। अच्छा, आपकी कौन है? ये मेरी पत्नी है। अच्छा, आपके कौन है? पति हैं। पति हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं कि रातों रात आज वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, पूरे यूपी बिहार झारखंड में एकदम आपका वीडियो धूम मचा रहा है, तहलका मचा रहा है, क्या करती है? देखिए, हम सिंगिंग करते हैं और रील्स बनाते हैं। अच्छा, सिंगिंग भी करते हैं, गाना गाते हैं। अच्छा, कई गाना अभी तक है? अभी दस गाना करती है। अच्छा, रील्स भी बनाते हैं? जी, रील्स भी बनाते हैं। अच्छा, क्या किस तरह का रील्स बनाते हैं? बिल्कुल अच्छे बनाते हैं, आप लोग मेरे चैनल उठा के देख सकते हैं, कहीं से भी अश्लील नहीं लगाते। अच्छा, जो चैनल आपका है इंस्टाग्राम पे है कि यूट्यूब पे? सब पर है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब पर भी है। अच्छा, मतलब एक ही नाम से तीनों जगह है? जी नहीं, अलग अलग है। मेरे पति के नाम से फेसबुक है जो केश राम, और मेरा फेसबुक चैनल है चंदा देवी, और मेरा यूट्यूब चैनल है चंदा की हम किसी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी डालती है वीडियो? जी। उस पे क्या नाम है? उस पर भी यही नाम है, चंदा की हम किसी। ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि आप जो है रील्स बनाने पे मजबूर हो गई? आज के दौर में हर जगह काम का कमी नहीं है, काम लोग कर सकता है, लेकिन आज के दौर में जो है लोग रील्स बनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो लोगों के नज़र में मतलब जो है लोग उसको गिरा हुआ आदमी समझते हैं, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि आप रील्स बनाना स्टार्ट करें? शॉर्ट कोड बीमारी। देखिए, इतना हमारा शौक नहीं था इसमें आने के लिए, तो हमारा कोई प्रॉब्लम था तो इसीलिए इस लाइन में हम आए, और हमें खुश रखने के हमारे पति पूरा प्रयास किए हैं। पति का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? जी जी जी, पूरा सपोर्ट है इनके, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो नहीं पहुँच पाते। अच्छा, क्यों आप अपने पति से रील्स बनवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, इसे क्या जरूरत पड़ा? आज तो फेमस हो गई है, चलिए अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम था, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता था। अच्छा अच्छा, ब्लड 3 बार चेंज हुआ है। अच्छा, तो ये ज़्यादा खुश नहीं रह पाते थे, इनको शंका हो गया था, हो गया था कि कैंसर हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत टेंशन भी दे रहा था कि पाएगी। हाँ, तो डॉक्टर से हम सलाह लिए तो बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लड चेंज हुआ है, ब्लड ग्रो होने लगेगा। हाँ, तो बीमारी नहीं है, बीमारी है नहीं, बस ब्लड में पॉइजन हो गया था, 3 बार चेंज हुआ है। अच्छा अच्छा, और इसको टेंशन हो गया था बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर से हम सलाह लिए तो बोले कि इनको संगीत के माध्यम में रखिए। अच्छा अच्छा, उसमें और हौसला बढ़ाइए, वहाँ से ज़्यादा खुशी मिली। अच्छा, इसी प्रॉब्लम से हम इनको रील्स में लाए और संगीत बनवाना चालू किए, लेकिन हमारा कोई भी संगीत है या अश्लील वीडियो है इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कहीं भी किसी के पास बैठ के आज़ादी से देख सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी एक गाना आया था जो स्थापना हुआ था राम जी का, उसमें भी रामलला पर एक गाना गाई हुई थी, वो भी गाना बहुत अच्छा चला। अच्छा, आप रील्स बनाती हैं तो रील्स बना के फेमस हो गई है, आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है भविष्य में? आगे हमें बस सिंगिंग करना है जब तक हम जिएंगे तब तक, और पति और बच्चा के सपोर्ट और साथ हमेशा हमको चाहिए। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि अभी एक मैटर चल रहा था सोशल मीडिया पे सबसे वायरल, शिल्पी राज का, कि विवेक पटेल है एक, वो शिल्पी राज को बहुत हेल्प करते हैं, उनको सिंगर बना देते हैं और वो भी बड़ी सिंगर बन जाती है, और बनने के बाद जो है विवेक जी को लात मारती है, उनको छोड़ के तुम किसी और के साथ चले जाती है, तो इस तरह से कहीं आप नहीं ना कीजिएगा अपने पति के साथ? आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपका। देखिए, पति तो पति होते हैं, आज पति हमारे सपोर्ट नहीं किए होते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, आपके चैनल में बोलने के काबिल नहीं थे। तो हमारे पति के पूरा सपोर्ट है और पूर्ण भरोसा करना चाहिए अपने पति पर भी और पत्नी पर, क्योंकि बगैर भरोसा और प्यार के रिश्ता नहीं चलता। और जो भी शादीशुदा है, महिलाएँ चाहे जेंट्स भी जो भी हैं, तो पूरा
महिला अपने शादी संबंध में भरोसा और एक रिश्ता में भरोसा रखती है तभी उठती और पढ़ती और एक दूसरे के साथ मिल के चलेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं ना लगता है कि आप इतना हेल्प कर रहे हैं अपनी वाइफ को, आगे चल के वाइफ जो है बड़ी सिंगर बन जाती है, अच्छा बन जाती है, तो आपको कहीं छोड़ दे ना? ऐसा 1% भी कोई शक नहीं है। अच्छा अच्छा, जो भी है पूरा एकदम पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग का रिश्ता है 7 जन्म का रिश्ता है, एकदम फुल विश्वास है। फुल विश्वास है, 7 जन्म का रिश्ता है, तो इसमें शक की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। चलिए, हमको भी अच्छा लगा कि आपके पति जो है इतना आपका हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आप मेरा भी प्रयास है कि आप बड़े आदमी बनिए, बड़े सिंगर बनिए, और आपके पति जिस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से आप भी इनको भविष्य में चाहे अभी भी सपोर्ट एकदम कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। बता नहीं सकते कि हम लोग का रिश्ता कितना है और कितना गहरा है, लेकिन जो भी है आगे भी आप लोग के देखने को मिलते रहेगा।